यूपी में विधानसभा उपचुनाव की जंग को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव मैदान में उतरने की तैयारी में है। सभी 9 सीटों पर अखिलेश यादव रैली और रोड शो कर वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। दीपावली के बाद अखिलेश दिखाएंगे दम, रैली और रोड शो के जरिए भरेंगे हुंकार। एक दिन में एक सीट का लिया टारगेट, करहल से चुनावी शंखनाद को है तैयार। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही यूपी में सियासी दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे विधानसभा उपचुनाव में सबकी साख दांव पर है। एक तरफ बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के बुरे सपने को भुलाकर विधानसभा उपचुनाव में आगे बढ़ने की चुनौती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह अपना प्रदर्शन बरकरार रखने का चैलेंज होगा। एक तरफ सभी 9 सीटों पर सीएम योगी धुआंधार प्रचार करेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मोर्चा संभालेंगे। दीपावली के बाद अखिलेश यादव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सभी 9 सीटों पर अखिलेश यादव जनसभाएं और रोड शो करेंगे। करहल से अखिलेश यादव चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को उपचुनाव के प्रचार में जुटने को कह दिया गया है। इन सब के बीच सपा ने अपने प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। प्रचारकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल है। 13 नवंबर को 9 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, तभी साफ हो पाएगा कि किसके प्रचार से जनता प्रभावित होती है और किससे किनारा करती है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।